आज मोदी जी जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं और विश्व के सर्व लोकप्रिय नेता हैं, आज उनके 9 वर्ष पूरे होने पर उनके कार्यकाल के ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई, साथ साथ हरियाणा सरकार के भी 8.5 साल पूरे हो रहे हैं। तो आज हरियाणा और भारत दोनों के मैं कहती हूँ कि निवासियों को शुभकामनाएं बधाई देने के लिए हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है और साथ साथ जनता का धन्यवाद कर रहे हैं हम आज, और जनता से अपील भी कर रहे हैं कि जो बदलाव इन 9 सालों में हुआ, ऐसा ही बदलाव और इससे बेहतर सुविधाएं सेवा करने का एक और मौका आने वाले 9 साल के लिए अपील कर रहे हैं। बड़खल के इलाके में सड़कों का बुरा हाल है, सूरज कुंड रोड पूरी तरह टूटी है, जिससे हजारों कनेक्ट दिल्ली दिल्ली से आते और जाते हैं। जो सूरज कुंड रोड है, अगर आप ध्यान देंगे तो जहाँ जिम खाना है हमारा, जिम खाना से लेकर सिद्धदाता आश्रम तक बन चुकी है, लगभग 20 करोड़ का इसका वर्क ऑर्डर है, जो कि अनखीर गोल चक्कर से लेकर के जिम खाना से लेकर के वो सीधा सूरज कुंड राउंड अबाउट तक जाता है। पर क्योंकि असमय की बारिश ने और ये जो सड़क है ब्लैक कारपेटिंग की है और पानी और हमारा जो तारकोल है एक दूसरे के दुश्मन है, तो इसलिए अभी हमने उसे बीच में रोका हुआ है। जैसे ये सड़क पूरा टाइम नहीं, हमने इसीलिए रोक दिया काम, जहाँ पर इसको हमने ये भी दिया 5 साल की इसका केयर टेकर भी यही रहने वाले हैं और कहीं अगर नुकसान होगा तो ये पूरा करेंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, नया नया क्लॉज लगाया और इसी वजह से हमने काम रोक दिया। ऐसे कि तारकोल की सड़क के लिए एक ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए होता है, वो सूरज भगवान ही हमें दे सकते। पिछले चुनाव में आपने वादा किया था कि बड़कल में पानी लाकर नौका विहार करवाया जाएगा, तो अब ये कहाँ तक ये प्रोग्रेस पहुँची है और आने वाले टाइम में इसका भविष्य क्या है? देखिए, मैं ये बात तो कहती हूँ कि मेरा कभी भी चुनावी मुद्दा नहीं रहा झील। झील तो मैंने जब MLA बन गई तो तब मैंने जा कर के जो पहला प्रयास किया वो लेक के लिए किया। इसके साथ ना केवल फरीदाबाद की बल्कि हरियाणा और NCR की भावनाएं भावनात्मक रिश्ता है, और मैं सोचती हूँ कि इसी योजना में हम इसका प्रयास करेंगे कि 17 सितंबर को हम यहाँ हवन करके इसका उद्घाटन शुभारंभ करेंगे, और उसके बाद में जितनी ये झील भर जाएगी, क्योंकि 38 हेक्टेयर से बड़ी ज़मीन है और इसको भरने में भी 4 महीने का समय चाहिए। अगर आज आप यहीं उपस्थित हैं, आप नीचे जा कर के देखेंगे तो उसके बेड पे काम चल रहा है। हमने कुछ ज़मीन के ऊपर काम करना था हमारे ठेकेदार ने, तो वो काम चल रहा है, और पानी जब हम इसमें छोड़ेंगे इसको भरने में 4 महीने का समय लगेगा। तो इसी योजना में हम नौका विहार जरूर करेंगे। मैम, अगर हम बात करें 2 अंडरपास आते हैं आपके विधानसभा में, एक अंडरपास जो NHPC का है, उसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी का भी और कृष्ण पाल जी का भी धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन दोनों ने ही सहयोग बहुत दिया, जिसमें आदरणीय कृष्ण पाल जी ने तो उसको CSR में भी डलवा करके काम शुरू किया। हमारी सड़क बन चुकी है, और अंडरपास के लिए NHPC की बात करती हूँ, उसके लिए मोटर्स भी आ चुकी हैं, लेकिन ऐसा है कि बारिश की वजह से हमारे कुछ कुछ काम रुकते जा रहे हैं, पर लेकिन वो काम जल्दी पूरा हो जाएगा। और दूसरा जो हमारा ओल्ड फरीदाबाद का अंडरपास है, उधर के लिए भी कुछ स्पीड ब्रेकर्स कुछ इस तरह से का हल निकाला गया है, पर वो परमानेंट सॉल्यूशन नहीं बनता। एक आपके माध्यम से मेरी रिक्वेस्ट भी है कि देखिए, शॉर्टकट को तब अपनाएं जब वो रास्ता क्लियर हो। हम भी अपना इतना रिस्क ना लें कि बरसात के दिनों में, जबकि मैंने अधिकारियों को बोला हुआ है कि अगर अंडरपास में पानी ज़्यादा भरता तो बकायदा बैरिगेट लगा के उसे बंद कर दें थोड़ा घूम के। अगर विधानसभा की बात करें, कई इलाके ऐसे हैं, कई मोहल्ले ऐसे हैं जहां पर सीवर ओवरफ्लो की समस्या है, वो चीज़ें हैं, लोगों की नाराज़गी भी है, उन लोगों को क्या क्या आश्वासन दें? मैं सबसे पहले जिसके घर में पानी जा रहा है और जो हमारी प्रशासनिक लापरवाही का शिकार हो रहा है, मैं अपने उन सभी परिवारों से हाथ जोड़ करके विनम्रता से क्षमा चाहती हूँ। लेकिन
इसके पर काम हम निरंतर कर रहे हैं और उस निरंतर काम की प्रक्रिया में 2015 में हमने 100 करोड़ रुपया सैंक्शन कराया था। उसका हमने 3 नेशनल कंपनी से सर्वे कराया। मीनवाइल हमारे पास कोरोना का 2.5 साल आ गए, तब हम सीवरेज की बजाय हम जिंदगियां देने पर फोकस हो गए। आज उसका वर्क टेंडर लगा हुआ है और 3 टेंडर उसके बेकार गए, कोई कंपनी ने पार्टिसिपेट नहीं किया। अब 4 टेंडर्स आए हैं और मुझे उम्मीद है बहुत जल्द जब वो अपनी टेक्निकली क्वालिफाई हो जाएंगे तो वार्ड नंबर 11, 12, 14, 15, 16, 17 और 19 इसको उससे सुविधा मिलेगी। एसटीपी भी बनाए जाएंगे इसके अंतर्गत और भटकल में तो एसटीपी हमने काफ़ी सारे बनाए हैं। एक अभी हमारा एसटीपी गोल्फ क्लब में बन के तैयार हो रहा है जिससे 2 नंबर को बहुत सुविधा मिलेगी कि भाई पानी ओवरफ्लो नहीं होगा सीवरेज का। ऐसा ही एक एसटीपी हमारा दशहरा ग्राउंड में शुरू होगा, कल परसों में शुरू हो जाएगा बनना। तो इस 160 में भी कुछ एसटीपी शामिल है। मैडम जिस तरीके से अरावली क्षेत्र में अवैध